हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे राजस्थान में कुछ मंदिरों में। बात करते हैं सबसे पहले कि एक राजस्थान में सबसे प्रसिद्ध मंदिर है श्रीनाथ जी का मंदिर, तो उनकी चर्चा करेंगे कि वह मंदिर किस किस रूप में प्रसिद्ध रहेगा। और यहाँ से 100% कोई ना कोई हर एक एग्जाम में या कोई ना कोई एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आता है, तो देखिए उसकी बात करते हैं। श्रीनाथ जी का मंदिर, श्रीनाथ जी के मंदिर की बात करें तो यह राजस्थान के नाथ द्वारा राजसमंद जिले में स्थित है। तो श्रीनाथ जी के मंदिर की बात करें, नाथ द्वारा राजसमंद में रहेगा। और यहां से एक क्वेश्चन आता है कि नाथ द्वारा का प्राचीन नाम क्या है। प्राचीन नाम की बात करें तो वह रहेगा सिहाड़। तो राजस्थान में नाथ द्वारा क्षेत्र को प्राचीनतम रूप में सिहाड़ क्षेत्र के रूप में जाना जाता था। और यहां पर से श्रीनाथ जी का मंदिर रहेगा। श्रीनाथ जी के मंदिर की बात करें, निर्माण निर्माण महाराणा राज सिंह ने करवाया। तो राजस्थान में श्रीनाथ जी के मंदिर का जो निर्माण है वो मेवाड़ के शासक महाराणा राज सिंह ने करवाया था। इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है कि श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण महाराणा राज सिंह ने किस मुगल शासक के समय करवाया था। तो इस समय मुगल शासक जो रहा था औरंगजेब, किस समय? तो मुगल शासक औरंगजेब के समय मेवाड़ के शासक महाराणा राज सिंह ने यहां श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण नाथ द्वारा राजसमंद में करवाया। इसकी बात करें, यह जो मंदिर है ये किस शैली में बना हुआ है, तो मंदिर निर्माण शैली की बात करें तो यह रहेगी हवेली शैली। तो श्रीनाथ जी के मंदिर की बात करें तो हवेली शैली में निर्मित मंदिर रहेगा। और इस मंदिर में जो गीत गाए जाते हैं वह हवेली संगीत कहलाते हैं। तो श्रीनाथ जी के भक्तों द्वारा गाए जाने वाले गीत वो किस रूप में जाने जाएंगे, हवेली संगीत के रूप में जाने जाते हैं। इसी तरीके से यहां बात करें, श्रीनाथ जी के भक्तों द्वारा एक नृत्य किया जाता है जिसका नाम रहेगा डांग नृत्य, जबकि डांग क्षेत्र करौली धौलपुर का कहलाएगा। और यहां बात करें डांग नृत्य जो कि श्रीनाथ जी के मंदिर नाथ द्वारा राजसमंद का प्रसिद्ध रहेगा। इसी श्रीनाथ जी के मंदिर की बात करें तो यहां राजस्थान में सबसे अधिक लोकप्रिय पिछवाया रहेगी या पिछवाया पेंटिंग्स प्रसिद्ध रहेगी। तो पिछवाए पेंटिंग्स यानी कि चित्रकला भी वो यहीं की प्रसिद्ध है, और पिछवाए की बात करें तो यह लोक कला भी रहेगी। तो राजस्थान में पिछवाया पेंटिंग्स के नाम से जानी जाती है, तो वह आपके नाथ द्वारा चित्र शैली। और यहां बात करें पिछवाया लोक कला जो कि प्रसिद्ध कहाँ है, यह भी नाथ द्वारा राजसमंद की, यदि मंदिर पूछ ले तो वह रहेगा श्रीनाथ जी का मंदिर। इसके बाद यहाँ का सांझी पर्व भी रहेगा, तो केले के पत्तों की सांझी प्रसिद्ध है। श्रीनाथ जी के मंदिर की बात करें तो यहाँ केले के पत्तों की सांझी प्रसिद्ध रहेगी। और श्रीनाथ जी के मंदिर में ही अंतिम जो सांझी रहती है, अंतिम दिन की सांझी, वह कोट सांझी कहलाती है। तो श्रीनाथ जी के मंदिर की केले के पत्तों की या इसे कदली पत्तों की सांझी प्रसिद्ध कह सकते हैं। और दूसरी आपके अंतिम सांझी यहाँ की पूछ ले तो वह कोट सांझी रहेगी। तो राजस्थान में पिछवाया श्रीनाथ जी का मंदिर नाथ द्वारा की प्रसिद्ध रहेगी, केले के पत्तों की या कदली के पत्तों की सांझी ये भी श्रीनाथ जी के मंदिर की प्रसिद्ध रहेगी। और यहाँ श्रीनाथ जी के मंदिर की अंतिम सांझी कहलाती है, कोट सांझी कहलाती है। इसके बाद बात करें कि श्रीनाथ जी के जो मंदिर है यहाँ दो होली खेली जाती है, एक बादशाह होली और दूसरी रहेगी दूध दही की होली।
तो श्रीनाथ जी के मंदिर की दो होली प्रसिद्ध है, बादशाह होली और दूध दही की होली प्रसिद्ध है। इसी तरीके से बात करें, यहाँ का अन्नकूट महोत्सव भी प्रसिद्ध है। तो राजस्थान में सबसे अधिक अन्नकूट महोत्सव प्रसिद्ध रहेगा वो श्रीनाथ जी के मंदिर का, नाथद्वार राजसमंद का प्रसिद्ध रहेगा। अन्नकूट महोत्सव यह गोवर्धन पूजन के दिन मनाया जाता है, यानी कि दीपावली के अगले दिन। इसकी बात करें तो यह जो अन्नकूट महोत्सव है किन में प्रचलित रहेगा, ये भीलों में। यहाँ चावल लूट की प्रथा रहती है। तो इस तरीके से आपके यह अन्नकूट महोत्सव जो कि भीलों में चावल लूट की प्रथा के रूप में मनाया जाता है। इसी प्रकार से यहाँ श्रीनाथ जी के मंदिर की बात करें तो यहाँ एक पुजारी भी रहता है, यानी कि श्रीनाथ जी के मंदिर में जो पुजारी होगा वह कहलाता है, वह कहलाएगा झापटिया। तो श्रीनाथ जी के मंदिर में जो पुजारी वह किस रूप में जाना जाएगा, वो झापटे के रूप में जाना जाता है। तो यह राजस्थान में प्रसिद्ध श्रीनाथ जी का मंदिर रहेगा, जिनकी मुख्यतः ये विशेषताएं जो किसी न किसी एग्जाम में पूछी जाती है। तो देखिए, श्रीनाथ जी के मंदिर की बात करें तो यह नाथ द्वारा राजसमंद में रहेगा और नाथ द्वारा का प्राचीन नाम ये सिहाड़ रहेगा। इसके बाद बात करें, यहाँ श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण महाराणा राज सिंह ने करवाया मुगल शासक औरंगजेब के समय। इसके बाद यहाँ मंदिर शैली की बात करें तो हवेली शैली रहेगी और यहाँ गाए जाने वाले गीत हवेली संगीत के रूप में जाने जाते हैं। इसके बाद श्रीनाथ जी के भक्तों द्वारा किए जाने वाला नृत्य वह डांग नृत्य कहलाएगा। यहाँ बादशाह होली दूध दही की होली मनाई जाती है और श्रीनाथ जी का जो पुजारी होगा वो झापटे कहलाएगा। इसके बाद बात करें पिछवाया लोक कला या पिछवाया पेंटिंग्स, ये आपके श्रीनाथ जी का मंदिर नाथद्वार राजसमंद से संबंधित रहेगी, या संप्रदाय पूछ ले तो वह वल्लभ संप्रदाय रहेगा। इसके बाद यहाँ की सांझी, केले के पत्तों की या कदली पत्तों की सांझी प्रसिद्ध रहेगी और यहाँ अंतिम दिन की सांझी कोट सांझी के रूप में जानी जाती है। इसके बाद बात करें, यहाँ गोवर्धन पूजन के दिन अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है, जो कि अन्नकूट महोत्सव भीलों में प्रचलित है और भीलों में चावल लूट की प्रथा के रूप में मनाया जाता है। तो ये इस तरीके से श्रीनाथ जी से संबंधित जो भी बातें रहेगी वो कंप्लीट है। धन्यवाद।